बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंध सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी हरिद्वार में हैं, विभिन्न मत मतांतरों के आचार्य अपने अपने संप्रदाय की पद्धति सुना रहे हैं, पर प्रत्येक संप्रदाय में चूंकि सांप्रदायिक विचारधारा है, वेद सम्मत नहीं है, और वेद सम्मत न होने के कारण, वेद के विरुद्ध होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा छिद्र मिलता है जो उनके सिद्धांत रूपी जहाज को डुबो देता है। वेद के कथन के विपरीत होने के कारण प्रत्येक सिद्धांत में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, और उन्हीं प्रश्नों से श्री जी उन आचार्यों को निरुत्तर कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है दर्शन के आचार्यों की। दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है, परंतु चूंकि छह दर्शन आपस में मिलकर के ही किसी एक विषय के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जब छहों दर्शन अपना अपना अलग अस्तित्व बना करके बैठेंगे तो कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा। इस विषय में हम थोड़ा सा आगे वर्णन करते हैं। तो उन छह दर्शनों के आचार्यों में से चार दर्शन के आचार्य अपने सिद्धांत को श्री जी के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब रहते हैं शेष योग दर्शन और वेदांत दर्शन के आचार्य। कहते हैं कल की जो अंतिम चौपाई हमने सुनी थी कि तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, एही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इत ही है तुम देखो, व्यापक इत ही है तुम देखो, पिंड माही आठ अंग लेके, खोज कीजिए जब चित देके। ब्रह्म कहाँ है तो कह रहे हैं कि इसी पिंड में, इसी शरीर में। जब आप योग के आठ अंगों को लेकर के खोजते हैं तो उसका दर्शन होता है। और इसके लिए दृष्टांत दिया जाता है कि जिस प्रकार दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, जैसे तिल में तेल होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, जैसे चकमक में आग होती है पर दिखाई नहीं पड़ता। इसी को संत कहते हैं, ज्यों तिल में तेल है चकमक माहे आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। साई अंदर तो है लेकिन वो शरीर में नहीं है, और शरीर के बंधन में भी नहीं है। यदि आप ये कहते हो कि कण कण में है, सर्वत्र है, पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, सर्वव्यापक है, और उसको देखने के लिए आपको घी दूध में से घी की तरह योग रूपी मथनी से मथना पड़ेगा, तो वहां आप चूक कर देते हैं। क्योंकि यदि हम सब में ब्रह्म कहते हैं तो खोजी और खोज, साधक और साध्य, इनमें अंतर नहीं बता पाएंगे। यदि सर्वत्र ब्रह्म कहते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे कि घी में से घी को अलग करना, और अलग कौन कर रहा है, वो भी तो घी है, क्योंकि खोजने वाला भी ब्रह्म है। किसकी खोज की जा रही है? ब्रह्म की खोज की जा रही है, और जहां पर खोज की जा रही है वहां भी ब्रह्म है। जब सर्वत्र ब्रह्म है तो खोजने की आवश्यकता क्या है?
खोजने की तो आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई वस्तु किसी एक स्थान में छिपा हुआ है। सर्वत्र जो है वो छिपा हुआ कैसे हो सकता है, और जो छिपा ही नहीं है तो खोजना क्यों है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सर्वत्र ब्रह्म कहना और फिर खोज की बात करना दोनों एक दूसरे के विरोधार्थक है, दोनों में विरोधाभास है। इसलिए परमात्मा संसार में कण कण में नहीं है, और ये बात आगे वेदांत दर्शन के प्रसंग में हम विशेष रूप से व्याख्या करेंगे। अभी योग के 8 अंगों की बात हो रही है ब्रह्म को पाने के लिए। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले यम। यम क्या है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। इसी प्रकार नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 यम, 5 नियम को समझते हैं। जैसे मैंने कहा शौच, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता। अर्थात शरीर तो पवित्र हो ही, साथ में विचारों की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, जीव की पवित्रता, ये सब शौच में आते हैं। संतोष क्या है? संतोष का तात्पर्य है कि जितना हमें सरलता पूर्वक उपलब्ध हो जाए उसमें प्रसन्न रहना, और आवश्यकता से अधिक की लालच न करना। फिर अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वाध्याय का अर्थ है कि जो आप्त पुरुषों के उपदेश हैं या वेद अथवा जो वैदिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को नियमित रूप से अध्ययन करना और कराना, ये स्वाध्याय में आता है। तप क्या है? साधना के क्रम में मार्ग में आने वाले द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या है? कहते हैं कि जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति होती है वो द्वंद्व है, क्योंकि दो है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये ऋतुओं का द्वंद्व है। फिर मान सम्मान, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व है। और जब आप साधना के मार्ग पर चलेंगे तो ये इन सभी द्वंद्वों से पार होना पड़ेगा। उन द्वंद्वों को सहन करना तप है। भूख, प्यास, ये सभी द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, तो इनको सहना तप है। ऋतम तपह, दमम तपह, सत्यम तपह, स्वाध्यायस तपह, ये सभी तप है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, स्वाध्याय करना। और 5वां है ईश्वर पर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? अपने अहम को परब्रह्म के चरणों में समाप्त कर देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और ईश्वर प्रणिधान के बिना समाधि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पतंजलि मुनि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, समाधि की प्राप्ति के लिए परमात्मा के प्रति समर्पण आवश्यक है। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा अहम की ग्रंथि बनी रहेगी और फिर समाधि नहीं हो सकती। इसी प्रकार नियम क्या है? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को अकारण ही पीड़ा न पहुंचाना, यह अहिंसा है। आत्मरक्षा के लिए तो कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए आपके शरीर पर मच्छर आके बैठा, अचानक से हाथ उस पर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप कहें कि क्या मुझे हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहली बात यह है कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तो आपको ऐसे उपाय करने चाहिए कि मच्छर ना लगे। पहली बात
तो हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपाय तो किए जा सकते हैं ना, जैसे आसपास के नालों को साफ रखा जाए, अपने घर में जालियां लगाई जाए, मच्छरदानी में रहा जाए, लेकिन दिन भर नहीं रह सकते, चलिए जहां तक संभव हो सके। लेकिन अगर मान लो कोई बैठा तो क्या करे, खून पीने दे। अब पीने देने में कोई बुराई नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा खून है और एक मच्छर क्या बुरा, मच्छरों का भंडारा हो सकता है, लेकिन उसी मच्छर के कारण आपके शरीर में वो बीमारी हो सकती है और कई बार वो रोग ऐसा घातक हो सकता है कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और जो लाखों योनियों के पार करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, 84 लाख योनि की बात करते हैं ना, तो किस तरह से मनुष्य योनि मिली है और एक मच्छर के कारण आपकी मृत्यु हो रही है, तो आपने तो अपना लक्ष्य समाप्त कर दिया, आप अपने लक्ष्य से वंचित हो गए। और मानव जीवन का लक्ष्य परब्रह्म की प्राप्ति, तो वहां स्वरक्षा के लिए आपने अगर किसी को मारा है तो वो धर्म रक्षा की श्रेणी में आएगा, अहिंसा की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए किसी की भी हिंसा नहीं कर रहे, इसलिए आत्मरक्षा तक उचित है, लेकिन उसमें भी पहले कोशिश की जाए कि मारने की आवश्यकता ना पड़े, तो ये अहिंसा हो गई। फिर आता है सत्य, मन वचन और कर्म से सत्य बोलना। फिर अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, क्योंकि चोरी कब होती है, हमने पहले 5 यमों में जो संतोष की बात की, अगर संतोष होगा तो कोई व्यक्ति चोरी करेगा ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो चोरी नहीं करना। मन वचन और कर्म से पराय धन की लालसा ना करना, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पर द्रव्येषु निष्प्रिय अस्तेयम इति संप्रोक्तम ऋषि भी तत्वदर्शी भी। पर द्रव्य को, पराय धन को मिट्टी के समान समझना। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 3 अलग अलग अर्थ होते हैं, एक वेदों को पढ़ना, क्योंकि वेद को भी ब्रह्म कहा गया है, तो वेदों को पढ़ना, उन पर चलना। दूसरा है ब्रह्म में विचरण करना, वो ध्यान के द्वारा। और तीसरा है शरीर का ब्रह्मचर्य, जैसे हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है वो अष्ट धातु से बना हुआ है, ठीक है, तो शरीर में बनने वाले ओज की रक्षा करना, ये शारीरिक ब्रह्मचर्य है। पर इन सब की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो शारीरिक ब्रह्मचर्य हो, मानसिक ब्रह्मचर्य अर्थात वेदों को पढ़ना, और आत्मिक ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म को ध्यान दृष्टि से देखना, उन पर उनमें विचरण करना, तो ये ब्रह्मचर्य है। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। और इस ध्यान में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब आप आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की आपकी आदत होती है तो आप अनावश्यक परिश्रम करेंगे तो ध्यान के लिए समय तो नहीं निकाल पाएंगे, और ध्यान के लिए समय देना बहुत आवश्यक है, वो भी कितना समय, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, लंबा समय देना चाहिए होता है। और मान लीजिए कि जैसे दुनिया में आपसे मैं पूछूं कि किसी भी चीज को बनाने में ज्यादा समय लगता है कि बिगाड़ने में, बिगाड़ने में कम समय लगता है, बनाने में ज्यादा समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये घर है, इसको बनाने में कम से कम भी कई मजदूरों ने मिलकर के, मिस्त्री ने मिलकर के 1 महीना लगाया होगा, और तोड़ना हो तो इसको डायनामाइट लगाया जाए तो वो तो फिर पल भर में तोड़ देगा, और अगर मजदूरों को लगा करके ही तोड़ा जाए तब भी इसको बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है। अब सोचिए कि अगर आप माया के काम में बहुत ज्यादा समय देने लगे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो जितना समय आपको बनाने में देना चाहिए था उससे ज्यादा समय बिगाड़ने में लगेगा, और बिगाड़ने में आपने इतना समय लगाया है। सोचिए कि आप 15-15 घंटे आपकी मनोवृत्ति माया में जा रही है और बाद में आप 1 घंटे के लिए उस मनोवृत्ति को इकट्ठा करने लग जाएं तो क्या होगा, आपने किसी चीज को फैलाने में 15 घंटा लगाया है तो समेटने में कितना समय लगेगा, समझ रहे हैं? तो
तो आप जितना अधिक माया के काम करते हैं उतनी ज्यादा मन की वृत्तियां भटकेंगी। इसीलिए अपरिग्रह का अर्थ है कि अनावश्यक संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप उतना ही समय माया में लगाएं जितना बहुत अधिक आवश्यक हो। बाकी अधिकतम समय जो है हमारा मनोवृत्तियों को इकट्ठा करके एकत्रित करके ब्रह्म में लगाने वाला होना चाहिए, ध्यान समाधि में लगाने वाला होना चाहिए। इसीलिए जो ऋषि मुनि समाधि अवस्था में पहुंचना चाहते हैं वो घर से दूर, दुनिया के व्यापार से दूर, लोगों के आवागमन से दूर, सबसे मौन रह करके, क्योंकि मौन रहने में क्या लाभ है? जब आप बोलते हैं बोलने में व्यवहार होता है, आप किसी से बोल रहे हैं तो किसी का सुनना भी पड़ता है, और जितना ज्यादा बोलते हैं जितना ज्यादा सुनते हैं वो सभी हमारी मन की वृत्तियां बन रही है। जैसे मान लीजिए कि आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो क्या क्या बातें आती है जो आपने की है या जो आपके साथ हुई है, लेकिन करना बंद कर दे तो क्या होगा? आपके मन का व्यापार जो है वो सिमटता जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? मान लीजिए कि आपने आज से मौन धारण किया है, या फिर बहुत कम आवश्यकता पड़ने पर पूरे दिन भर में, जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे दिन भर में केवल 100 शब्द बोले, 100 शब्द तो कोई व्यक्ति 2 मिनट में बोल देता है ना, उतना भी नहीं लगता है, लेकिन आपने पूरे दिन भर में अति आवश्यक 100 शब्द बोले तो आपने बाकी सारे शब्दों की मनोवृत्ति आपने रोक डाली। धीरे धीरे करके क्या होगा कि अब नए संस्कार कम से कम बन रहे हैं, और ध्यान में बैठ रहे हैं तो पुराने संस्कार भी एक तरफ से हटते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी तो क्या होगा? आप माया के काम में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, और उसमें क्या होगा? मन की वृत्तियां कभी इससे व्यवहार कर रहे हैं, कभी उससे व्यवहार कर रहे हैं, और आप आंख बंद करके बैठेंगे तब भी क्या होगा? उसी दिन भर का व्यवहार खेता भाई की तरह हो जाएंगे। हम लोग शाम को बैठते थे श्री जी के साथ चर्चा में, तो उनके मन में क्या आता था? फलाने से लिया कि नहीं लिया, उसको उसका इतना हिस्सा बाकी था, वो करना था, ये करना था, वही सब मन लगता है। तो इसीलिए अपरिग्रह, खेता भाई के मन में अपरिग्रह तो था नहीं, 25 साल से कमा ही कमा रहे थे। तो इस तरह से हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, तो अपरिग्रह की आवश्यकता है। तो ये हो गई यम और नियम, इनका पालन करना ध्यान समाधि में डूबने वालों के लिए आवश्यक है। औपचारिकता में जो बैठते हैं चितवनी में वो अलग बात है, वो तो कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वास्तव में अगर कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करना चाहता है तो इन दोनों की, यम और नियम की आवश्यकता पड़ती है। और ये बहुत जल्दी हम इसको नहीं कर पाते, इसके लिए तो निरंतर अभ्यास चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अहिंसा है, अहिंसा का पालन करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हाँ, हमें राज जी ने इन सब को पूरा करने के लिए एक बूस्टर डोज दिया है, वो बूस्टर डोज है प्रेम। प्रेम रूपी बूस्टर डोज से बाकी सारे काम बहुत शीघ्रता से होते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम होता है, अब प्रेम तो ऐसा है ना कि किसी एक से थोड़ी होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रेम तो वो सुगंधी है, जो भी इसके पास आएगा उस सुगंधी से महक उठेगा। तो यदि किसी के हृदय में वास्तव में प्रेम है तो वो सबके लिए होगा, मानव मात्र के लिए नहीं, सबके लिए। तो अहिंसा अपने आप ही होगी, करनी नहीं पड़ेगी, अब उससे हिंसा हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से बाकी सारे काम शीघ्रतापूर्वक हो सकते हैं, पर वो भी तो नहीं है। इसीलिए यम नियम का पालन करना होता है। हाँ, यदि कोई आप में से जिज्ञासु है यम नियम का पालन कैसे किया जाए, वो सीखना चाहता है, तो वो बाद में कभी भी मिल के संपर्क कर सकते हैं। निजानंद योग को आप अवलोकन कर सकते हैं, स्वामी जी के द्वारा लिखित है ना। इसी तरह ध्यान की पुष्पांजलि है, इन दोनों साहित्यों को पढ़िए, बाकी तो वाणी में बहुत कुछ दिया हुआ है। इस तरह ये 2 अंग हुए, अभी तो 8 अंग है ना, अभी 6 अंग बाकी है। तीसरा है आसन, ध्यान करने वालों के लिए समाधि के लिए आसन की आवश्यकता है। आसन किसे कहते हैं?
योग दर्शन के अनुसार देखा जाए तो पतंजलि मुनि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। किसी अवस्था में स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठाया जाए तो वो आसन है। जैसे कोई आलती पालती मार के बैठने की आदत होती है, किसी की चौकड़ी लगा के बैठते हैं ना, अगर आप उसमें भी लंबे समय तक बैठ पाते हैं तो वो भी आसन है। कोई सुखासन में बैठता है, कोई सरल आसन में, कोई स्वस्तिक आसन में, कोई पद्मासन में, कोई सिद्धासन में, तो ये सभी आसन है। देखिए आसन भी दो प्रकार के होते हैं, एक ध्यान आसन है और एक व्यायाम आसन है। ध्यान आसन में ये सब आसन आ जाते हैं, जैसे सुखासन, सिद्धासन, सरल आसन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन आदि। कुछ लोग गोमुख आसन में भी बैठते हैं और बाकी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जो आसन किए जाते हैं वो व्यायाम आसन कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के आसन हो गए। तो ये हो गए यम नियम आसन। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणों को, प्राणों का आयाम अर्थात श्वास का लेना छोड़ने की प्रक्रिया जो है, इसके तीन भाग होते हैं। साधारण रूप से प्राणायाम को तीन भागों में बांटा है, पूरक, रेचक और कुंभक। लेकिन आप दुनिया में किसी से भी प्राणायाम के बारे में पूछेंगे तो 99% लोग, 100 में से 99 लोग, अगर उनको पूछा जाए कि क्या आपको प्राणायाम का नाम पता है, तो ये पूरक, रेचक और कुंभक कोई नहीं कहता। वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ, कपालभाति होती है, अनुलोम विलोम होता है ना, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतली, भ्रामरी, इन सब प्राणायाम का नाम लेगा। जबकि वास्तव में जो प्राणायाम है वो है पूरक, रेचक और कुंभक। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए पूरक का अर्थ होता है सांस भरना, अंदर सांस लेना, और रेचक का अर्थ होता है छोड़ना, और कुंभक का अर्थ होता है रोकना। अब रोकना भी दो प्रकार से होता है, एक अंदर भर के रोका और एक बाहर निकाल के रोका। तो सभी प्राणायाम इसी गतिविधि को ध्यान में रखकर बनाया। प्राणायाम में क्या होता है, आप कपालभाति करते हैं तो क्या होगा, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें भी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर एक नाक से लेते हैं दूसरे नाक से छोड़ते हैं। तो कुछ कुछ जो नियम बनाए गए हैं, कपालभाति तो प्राणायाम में आता भी नहीं है। कपालभाति जो है वो हठ योग के अंदर आता है। उसमें क्या है, जैसे 6 अंग बताए गए हैं, नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति, षट कर्म में आते हैं वो। तो प्राणायाम जो हो गया वो है पूरक, रेचक और कुंभक, और उसमें भी बाह्य प्राणायाम होता है, आभ्यंतर प्राणायाम होता है और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी होता है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्राणायाम को देखना होता है। कोई व्यक्ति टीवी में देख के प्राणायाम नहीं सीख सकता है। टीवी में देख के प्राणायाम सीखने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ी होगी, और कैसी गड़बड़ी होगी जानते हैं? एक बार क्या हुआ कि एक दादाजी मर गए। किसी ने पूछा कि बाबूजी कैसे मरे, तो कहते हैं प्राणायाम करते हुए। बोले प्राणायाम करते हुए कोई कैसे मर सकता है, तो कहते हैं टीवी देख के प्राणायाम कर रहे थे। बाबा रामदेव जी ने कहा कि गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। दादाजी ने गहरी सांस ली, बाहर छोड़ी, उसके बाद लाइट चली गई। तो कोई बताने वाला था नहीं कि अंदर लिया जाए वापस, तो उन्होंने अंदर सांस नहीं ली। खैर ऐसा होता नहीं है, ये तो केवल समझने के लिए बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप में खुद की सांस लेके रोक करके नहीं मर सकता, समझ रहे हैं? आप अपनी सांस रोक करके मर ही नहीं सकते। पर ये बात समझाने के लिए है कि टीवी देख करके प्राणायाम नहीं सीखना चाहिए। कोई जो योग्य गुरु हो, जिसने प्राणायाम किसी गुरु से सीखा हो, उसी से सीखना चाहिए, अन्यथा आप उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे और लाभ के स्थान पर हानि ज्यादा होगी। तो ये हो गए 4 अंग। ये जो चारों अंग है योग के प्रारंभिक, ये बाह्य अंग है।
बाहरी चीजें हैं इसमें। अब आते हैं आभ्यंतर योग पे। ये चार बाह्य योग हैं, अब आभ्यंतर योग। आभ्यंतर योग में पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी है, इंद्रियों के विषय जो बाहर की तरफ भागते हैं, उनको बाहर की तरफ भागने से रोकना, अंदर की तरफ इकट्ठा करना। जो वृत्तियां, मन की वृत्तियां कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी, पांच विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब में भागती रहती है, तो उनको भागने जाने नहीं देना है और भागने से रोकना, ये प्रत्याहार कहलाता है। उसके बाद आती है धारणा। धारणा किसको कहते हैं? देशबंध चित्तस्य नाम धारणा। अब बाहर जाने से रोका, पर रोकना संभव थोड़ी है। केवल रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रुकेगी, उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। मन का काम क्या है पता है? मन का काम ही है लगना या छूटना, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं। मन कहीं पे लगेगा तो उससे छूट करके फिर थोड़ी देर में कहीं और लगेगा। आपने वृत्तियों से छुड़ाया तो लगने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, तो वो जगह क्या है? वो है ब्रह्म। तो उसकी धारणा की जाए। तो ये हो गया छठा अंग, देश बंध चित्तस्य नाम धारणा। आपने किसी एक स्थान पर चित्त की वृत्तियों को रोक दिया, बाहर से हटाया, वो हो गया प्रत्याहार। ब्रह्म में रोकने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो वो हो गई धारणा। फिर आती है ध्यान। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। आपने जहां पर अपनी वृत्तियों को लगाया है वहां पर, जैसे वैसे तो कई जो संत हैं वो इस प्रकार का दृष्टांत भी देते हैं कि जैसे झरने का जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसी झरने के जल के प्रवाह की तरह हमारी वृत्तियां भी निरंतर उस ब्रह्म में टिकी रहे कम से कम 3 घंटे तक, तो वो हो गया ध्यान। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने वैसे तो पहले भी दृष्टांत दिया हुआ है कि आप एक घड़े में या एक पात्र में एक छोटा सा छेद कर दीजिए कील से, और उसमें सरसों का तेल या फिर पिघला हुआ घी डाल दीजिए, तो उस छेद में से घी कैसे नीचे गिरता है पता है? टपकता नहीं है, गिरता है धारे के रूप में, और आपको ऐसा लगता कि कोई धागा है वहां पर, हिलता ही नहीं है इधर उधर। ऐसा आपने कई जगह पर देखा होगा, जैसे वो धारा बिल्कुल भी नहीं हिलती, तेल की धारा या घी की धारा। उसी तरह से हमारे चित्त की वृत्तियां भी निरंतर उस ब्रह्म में टिकी रहे, तो वो हो गया ध्यान। और समाधि का तात्पर्य है उसी में डूब जाना, उसी साध्य में निरंतर 3 घंटे से भी अधिक समय तक डूबे रहना, ये समाधि कहलाती है। और समाधि भी 2 प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज समाधि। इसको हम संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। सबीज समाधि में कहीं न कहीं साधक के स्वयं के होने की ग्रंथि बनी रहती है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन निर्बीज समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि में स्वयं के अस्तित्व का आभास भी समाप्त हो जाता है, जिसको हम निजानंद दर्शन की भाषा में मारिफत की अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार ये 8 अंग हैं जो योग दर्शन में वर्णन किया है। और वो कह रहे हैं योग दर्शन के आचार्य कि जब हम नाड़ी चक्रों को शोधते हैं तो ब्रह्म उसमें अपने आप ही मिल जाता है। 8 अंगों को साधते हैं तो ब्रह्म इसमें देख सकते हैं। ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, निराकार है, और उसको वही इस जगत का बीज कारण है। तो श्री जी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये जो जगत है वो असत जड़ दुख का रूप है। सत वस्तु से, सत अर्थात जो अखंड है, उससे सत्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि द्रव्य और गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मिले होते हैं। तो जो सच्चिदानंद ब्रह्म है
उससे ये असत जड़ दुखमयी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और वो इस संसार के कण कण में कैसे रह सकता है। कल की चर्चा में भी हमने सुना था, श्री जी ने यहाँ पर पुनः प्रश्न किया है कि किरणा सूरज भेद न आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाई। सूर्य और उसकी किरणें कभी अलग नहीं हो सकती। अगर आप माया और ब्रह्म को एक ही घटा रहे हो तो क्या होगा? एक तरफ शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है और माया असत जड़ दुखमयी है, तो दोनों में तो भेद है। सूर्य अगर किरणों के साथ उसका अस्तित्व है तो सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना ही होगा, लेकिन ब्रह्म से आप असत जड़ दुख की उत्पत्ति कैसे कह रहे हो? तो जब इस प्रकार श्री जी ने प्रश्न पूछा तो योग दर्शन के जो आचार्य थे उनके पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। अब वेदांत दर्शन के आचार्य आए और कहते हैं कि ब्रह्म बिना कछु कहत न तेही, ब्रह्म के बिना और कुछ है ही नहीं, सर्वत्र ब्रह्म है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि माया अनादि है। ये त्रैतवाद का सिद्धांत है। एक ही वेदांत दर्शन को लेकर के विभिन्न प्रकार की विचारधारा है। रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, इन सब ने वेदांत दर्शन की टीका की है, पर सभी का सिद्धांत भिन्न भिन्न है। शंकराचार्य जी का सिद्धांत भी भिन्न भिन्न है। एक ही वेदांत दर्शन को मानने वाले अद्वैतवादी भी हैं, द्वैतवादी भी हैं, त्रैतवादी भी हैं, शुद्धाद्वैतवादी भी हैं, विशिष्टाद्वैतवादी भी हैं। इस तरह अनेक प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर चल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि ब्रह्म के बिना और कुछ है ही नहीं, और साथ में कहते हैं कि माया, जीव और ईश्वर तीन अनादि तत्व हैं। माया में ब्रह्म व्यापक है और वही ब्रह्म सर्वदेशी है। ब्रह्म के बिना अगर कोई किसी और वस्तु को देखता है तो उसे हम अज्ञानी समझते हैं। चाहे वो अणु हो, चाहे वो हाथी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर के विशाल पदार्थ तक सब में ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म इच्छा से रहित है, कर्म से रहित है। अब सोचिए कि इन्हीं के सिद्धांत में कितने विरोधाभास बातें हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि माया जो है अनादि है, तो फिर माया ब्रह्म नहीं हुई। और साथ में कहते हैं कि माया में ब्रह्म व्यापक है, ये दोनों कैसे संबंध है? दोनों का एक में आपस में होना कैसे संभव है? और फिर कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्म के बिना दूसरा कोई देखता है तो उसको हम अज्ञानी समझते हैं, क्या वो अज्ञानी ब्रह्म नहीं है? जब आप सबको ब्रह्म कह रहे हैं तो जिसको आप अज्ञानी कह रहे हैं वो भी ब्रह्म हुआ, और ब्रह्म में अज्ञानता कैसे हो सकती है? श्री जी ने यही बात पूछी। कहते हैं जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहियो तब तो अज्ञानता कछु नाही, तो खट शास्त्र भय काहू को, मोह ऐसी आवत मन माहे। श्री जी कहते हैं कि जब सर्वत्र ब्रह्म है, आप कहते हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर छह शास्त्रों की रचना क्यों हुई? मेरे मन में यह आ रहा है कि अज्ञानता हो तभी तो शास्त्रों की रचना हुई, ज्ञान देने के लिए। वेद, दर्शन, उपनिषद, इन सब की रचना क्यों हुई? ज्ञान के लिए। और जब सर्वत्र ब्रह्म है तो अज्ञानता होनी ही नहीं चाहिए। और ब्रह्म तथा माया तीनों कालों में कभी एक नहीं हो सकते, न भूतकाल में कभी एक थे, न वर्तमान में है, न भविष्य में एक हो सकते हैं। ब्रह्म में माया तीनों कालों में नहीं होगी। इस प्रकार अब वेदांत दर्शन के आचार्य भी मौन हो जाते, उनके पास भी उत्तर नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी छह दर्शन के आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत क्यों बनाया या अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों किया, उसका कारण क्या है? मैंने कल भी कहा और शायद इससे पहले भी दो बार कह चुका हूं कि महाभारत काल के बाद धीरे धीरे जब ग्रंथों का अध्ययन, गुरुकुलीय परंपरा का लोप होता गया, तो लोग एक एक ग्रंथ पढ़ करके स्वयं को विद्वान ज्ञानी समझने लग गए। हमारे समाज में भी तो है ना, हमारे समाज में पूरी वाणी की टीका पढ़ने वाले, पूरी वाणी का अर्थ समझने वाले कितने प्रचारक होंगे? हमारे समाज में भी कैसे प्रचारक हैं,
आज से लगभग 14-15 साल पहले या उससे भी ज्यादा समय हो गया होगा, ज्ञानपीठ के प्रारंभ के दिनों में जब हमारे पास केवल 5 ही कमरे हुआ करते थे, उस समय 2 सुंदर साथ ज्ञानपीठ आए थे। मुझे उनका नाम पता नहीं है, पर ये मुजफ्फरनगर के तरफ के थे, भजन गाते थे। उन्होंने स्वामी जी के पास, स्वामी जी के सामने एक भजन सुनाया था। कहते हैं कि हम आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। उस भजन की एक ही पंक्ति मुझे याद है जिसका भाव ये था, कहते हैं कि 4 चौपाई रट के बन जाते विद्वान, घर घर जाके कहते हैं भाई जी तारतम ले लो। तो यही परंपरा पहले भी थी मध्य काल में। और जब एक एक दर्शन को पढ़ रहे थे तो सबने अपना अपना सिद्धांत सोचा कि हमारा ही सिद्धांत सबसे बड़ा है। पर ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे हमारा पूरा शरीर है। शरीर को समझने के लिए हमें बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जीव विज्ञान शरीर को पढ़ने के लिए। और बायोलॉजी पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, MBBS की पढ़ाई करते हैं, MBBS में साधारण रूप से हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाती है, हर औषधियों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद फिर किसी एक विषय में आपको MD करना होता है, तो किसी एक विषय में MD किया जाता है। अब MD जो किया हुआ डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर में बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे आपको जुकाम या गले में कोई समस्या है या कान में कोई समस्या है तो आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि नाक कान और गला विशेषज्ञ होता है, जिसको हम नॉर्मली ENT बोलते हैं, आईज नोज एंड थ्रॉट, नाक कान गला विशेषज्ञ। आंखों का जो डॉक्टर होता है वो अलग होता है, और जहां तक मुझे याद है उसको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस जो त्वचा है हमारी, चमड़ी है, उसका डॉक्टर अलग होता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। किडनी का जो डॉक्टर होता है वो अलग होता है, हृदय का डॉक्टर अलग होता है, लीवर और किडनी का जहां तक मुझे लगता है एक डॉक्टर होता है, हड्डियों का अलग होता है, हर विभाग के अलग अलग डॉक्टर है। मस्तिष्क का जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो अलग होता है, ऑपरेशन करने का जो सर्जन होता है वो अलग होता है। ये सभी डॉक्टर हैं, पर क्या आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन सा होता है? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा ना कि आपको बीमारी कौन सी है, समझ रहे? पूरा शरीर हमारा है, शरीर के प्रत्येक अंगों का महत्व है। तो इसमें क्योंकि प्रत्येक डॉक्टर ने एक एक विभाग को पकड़ा, और क्योंकि संपूर्ण जो मानव शरीर है वो इतना जटिल है, परमात्मा की ऐसी सुंदर लेकिन जटिल रचना है कि पूरे शरीर की संरचना को समझ पाना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। आज तक मुझे नहीं लगता, हो सकता है, पता नहीं है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि कोई भी शरीर के संपूर्ण अंगों का डॉक्टर नहीं होगा। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो सर्जन भी हो, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हो, डेंटिस्ट हो, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हो, सारे विभागों को देखने वाला एक डॉक्टर शायद ही कोई होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सभी अंगों को देख पाए, सभी अंगों के बारे में बता पाए, तो समझ लीजिए कि वो 6 दर्शन है। जैसे इसको ऐसे हम समझते हैं, महाराजा छत्रसाल जी जो एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत अच्छे ज्ञानी भी थे, उन्होंने लिखा है कि खट दर्शन छठ अंधन को हाथी। 6 दर्शन कैसे हैं? अंधों के हाथी की तरह। अंधों का हाथी कैसा कि जैसे किसी गांव में हाथी आया, उस गांव में भाई रहते थे कुछ जो अंधे थे, उन्होंने कहा कि हम भी हाथी देखने जाएंगे, अंधे और देखने जाएंगे, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर गए देखने क्योंकि सब जा रहे थे। अब अंधे कैसे देखते हैं? छू करके देखते हैं। तो अंधे जाते हैं, हाथी के पास कोई पहुंचा देता है। अब सभी लोग अलग अलग अंगों को पकड़ते हैं, कोई सूंड पकड़ता है, सूंड पकड़ के क्या कहता है, हाथी तो मोटे लठ की तरह है,
कोई पैर पकड़ता है तो कहता है हाथी तो खंभे की तरह है, कोई पूंछ पकड़ता है तो लगता है हाथी तो मोटे रस्से की तरह है, कोई कान पकड़ता है तो कहता है कि ये तो सूप की तरह है। सूप मतलब जिससे गेहूं वगैरह साफ करते ना, क्या बोलते माता जी उसको? हाँ जी, छाज, गुजराती में सुपड़ा कहते हैं ना उसको, जिससे गेहूं साफ किया जाता है। तो कोई कहता है कि कोई हाथी तो छाज की तरह है, और किसी ने पीठ पर हाथ फेरी कहता है हाथी तो भीत की तरह। भीत कहते हैं दीवार को, खुरदरी जो दीवार होती थी ना पहले, मिट्टी से जिसका लेप किया जाता था। अब आप बताओ हाथी कैसा है, उनमें से झूठ कौन बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा है, पर सभी एक एक अंग को पकड़ करके बैठे हैं, समझे? तो छह दर्शन भी ऐसे ही हैं। सृष्टि के छह कारणों की व्याख्या में छह दर्शन हैं, और तारतम ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं है तब तक सभी लोग अंधे हैं। जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा, जब छहों दर्शनों को पढ़ा जाएगा, तो समझेंगे ना कि अच्छा, जिसको हम भीत जैसा दीवार जैसा कह रहे थे, ये हाथी की पीठ है या फिर पेट का भाग है। जो रस्सी जैसा लग रहा है वो पूंछ है, जो छाज जैसा लग रहा है वो कान है, जो मोटे लठ की तरह लग रहा है वो सूंड है, और जो खंबे की तरह लग रहा था वो पैर है। सभी अंगों को मिला दिया जाए तो एक हाथी पूर्ण होता है। इसी तरह से छह दर्शन के अलग अलग विषय हैं। एक एक विषय को पकड़ करके किसी को लगा कि हम तो हाथी को जानते हैं, अर्थात सृष्टि को जानते हैं। ये ऐसा ही है, जैसे छह दर्शन के ऋषि ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए कि पुराने समय में वो जो छप्पर बनाया जाता था ना, छप्पर समझते, घास फूस की दीवार बना करके ऊपर लगाई जाती थी, अभी भी गांव में होता है। तो एक आया, एक ने बांस की कमझियां बनाई और उसको तैयार किया, एक ने उस पर खर पतवार बिछाए, पुराल बिछाया, एक ने उस पर रस्सियां बांधी और एक ने उसको उस पर पानी छिड़का, और एक ने इसके साइड साइड की छटाई की, और उसके बाद ये सब मिलकर के छप्पर तैयार किया, और बाद में सभी लोगों ने मिलकर के उसको छत बना दिया, समझ रहे हैं? तो ये छह दर्शन भी इसी तरह से है। एक ऋषि ने सृष्टि के निमित्त कारण की व्याख्या की, एक ने उपादान कारण की व्याख्या की, और बाकी चार लोगों ने मिलकर के साधारण कारण की व्याख्या की, जिसमें समय है, पुरुषार्थ है, ज्ञान है। तो इस तरह से छह दर्शन पूरे होते हैं। सब लोगों ने एक एक विषय को पकड़ा, जिस कारण से विवाद हो रहा था। अब सभी आचार्यों को श्री जी ने प्रश्न पूछा, हर कोई निरुत्तर था। उसके बाद अब सभी के अहंकार को ठेस पहुंचा। अब सब कह रहे हैं कि ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, कैसे पकड़े? तो हम इनको इनका संप्रदाय पूछते हैं। तो सभी आचार्यों ने पूछा कि आप किस मत को मानते हैं, आपकी विचारधारा क्या है? श्री जी कहते हैं कि देखो संत जनों, हमारे विषय में तो हरिवंश पुराण में व्यास जी ने जन्मेजय जी को कहा है। क्या कहा है? कि कलयुग में ऐसे ब्रह्म मुनि होंगे जो कि उस एक परब्रह्म की उपासना करेंगे। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय, वो एक परमात्मा के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे, और नया ही ज्ञान देंगे, नई बात बताएंगे, और ऐसी बात बताएंगे कि दुनिया के लोग भी उनको सुन करके उन्हें पूजेंगे। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में चौथे अध्याय में ये वर्णन आता है, 21 और 22वां श्लोक है कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिण उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारण। और इसी तरह से वेद उपनिषद आदि में भी हमारा प्रमाण दिया हुआ है। अब उन संतों को लगा कि ये ऐसे तो बंधने वाले नहीं है, इनको भी हम पद्धति पूछते हैं। ऐसे ही बात बताना तो सरल होता है, पर यदि हम इनको पद्धति पूछेंगे
कि आपका धाम क्या है, क्षेत्र क्या है, संप्रदाय कौन सी है, शाखा कौन सी है, सूत्र कौन सी है, शिखा कौन सी है, आप किसकी सेवा करते हैं, गोत्र क्या है, इष्ट क्या है, जप किसका करते हैं, साधन कौन सी करते हैं, मंत्र कौन सा है, पुरी कौन सी है, आपकी देवी कौन सी है, आप की शाला क्या है, क्षेत्र कौन सा है, सुख विलास का स्थान क्या है, ऋषि किसे मानते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, ज्ञान आपका कौन सा है, कुल कौन सा है, आपकी पद्धति को मानने का फल कौन सा है। इस तरह से इन्होंने प्रश्न पूछा। अब एक एक प्रश्न का उत्तर देना उनकी दृष्टि में मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक एक प्रश्न पूछे। और श्री जी ने कहा कि हे संत जनों, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम देंगे, और ऐसे नहीं देंगे, कैसे देंगे, श्रुति स्मृति की साख दें, कहूं तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए। हम आपको श्रुति स्मृति का प्रमाण देकर के बताएंगे, यदि आप वास्तव में ग्रहण करने वाले हैं, जिज्ञासु हैं, तो आप दिल देकर के, हृदय देकर के सुनिए, तब आपके अंदर का भ्रम, आपके अंदर की अज्ञानता समाप्त होगी। और यहां से निजानंद संप्रदाय की पद्धति प्रारंभ होती है। ये पहली बार पद्धति बताई गई है। और निजानंद संप्रदाय की पद्धति में सबसे पहले श्री जी ने अब सतगुरु कौन है इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद। सतगुरु किसे कहते हैं? अभी गुरु पूर्णिमा गई, बहुत अधिक व्याख्या हुई उसमें, इसलिए मैं उसकी बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं, प्रतिवर्ष भी तक सुनते हैं, और मैं बहुत अधिक व्याख्या इसलिए भी नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज मेरे विचार से 20वां दिन है और 20वें दिन अभी हम आधे प्रसंग में भी नहीं पहुंचे हैं, व्याख्या थोड़ी अधिक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में लेकर के इस पर आगे बढ़ता हूँ। सतगुरु का अर्थ है जो सत अर्थात अखंड का ज्ञान दे, और अखंड का ज्ञान कौन दे सकता है? जो स्वयं अखंड में हो और जो स्वयं जागृत हो। तो ब्रह्मानंद कौन है? जो ब्रह्म आनंदमयी स्वरूप है। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। सबको ज्ञान देने की सामर्थ्य किसमें है? उस एक ब्रह्म में है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी पूर्ण नहीं है। और योग दर्शन का कथन है कि वो परमात्मा ही सभी गुरुओं का भी गुरु है। स एष पूर्वेषां गुरुणामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वो सभी गुरुओं का भी गुरु है, तो वो सतगुरु है, वो ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है। क्या कहते हैं? उपनिषद का कथन है, आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्। ब्रह्म आनंद स्वरूप, तो वो ब्रह्मानंद जो है वो सतगुरु है। आगे कहते हैं सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र किसे कहते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में जो यज्ञोपवीत होती है, सूत्र का अर्थ होता है धागा। सूत्र का अर्थ, किसी बहुत बड़ी बात को संक्षेप में कहना भी सूत्र कहलाता है। जैसे आप अगर गणित पढ़ते हैं तो गणित में बहुत सारे सूत्र आते हैं, उन सूत्रों से समाधान किया जाता है, समस्याओं का हल किया जाता है। दर्शन में सूत्र आते हैं, तो बड़ी बात को संक्षेप में कहना भी सूत्र कहलाता है। यहाँ इस संसार में जनेऊ को सूत्र कहा जाता है, जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं। और जनेऊ क्या है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। लोग जो बांधते हैं वो भी नहीं जानते होंगे, जो बंधवाते हैं वो भी नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, जनेऊ तीन धागों का होता है, वो तीन धागे कर्म, उपासना और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। उनमें जो तीन गांठें होती है, वो माता पिता और आचार्यों के प्रति जो ऋण है, हमारा कर्ज है, उत्तरदायित्व है, उसका बोधक है। और इसमें जो धागे हैं उनकी लंबाई 96 अंगुल की होती है। वो 96 अंगुल किसका प्रतीक है? 32 प्रकार की विद्या और 64 प्रकार की कलाओं का। और ये कब धारण किया जाता था? जब व्यक्ति गुरुकुल में प्रवेश करता था।
तो आज से मेरी शिक्षा आरंभ हो रही है, मुझे परिश्रम करके, कठोर कर्म करते हुए, परिश्रम करते हुए, उपासना करते हुए ज्ञान ग्रहण करना है और सभी प्रकार की विद्याओं को सीखना है। इसलिए वो यज्ञोपवीत पहना जाता था, वो जनेऊ पहनी जाती थी, जिसे सूत्र कहते हैं। तो सूत्र क्या है? सूत्र है ज्ञान। सीखा ज्ञानमयस्य उपवितम च तन्मयम्। सीखा और सूत्र दोनों ज्ञानमयी होने चाहिए। केवल बाहरी चोटी लंबी रख लेने से और कंधे और कमर पर वो जनेऊ धारण कर लेने से कुछ नहीं होता, साथ में ज्ञान भी ग्रहण करना होता है। ये वैसा ही है जैसे आपने किसी कॉलेज का ड्रेस ले सिल लिया, स्कूल का ड्रेस सिल लिया, पहनते तो हैं पर स्कूल नहीं जाते, किताब खोल के नहीं देखते, ऐसा ही है। अगर आपने चोटी रखी, अगर आपने जनेऊ पहनी, लेकिन आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है धर्म का, तो वो वैसा ही है। निजानंद संप्रदाय में अक्षर को सूत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार सूत्र का ज्ञान हुए बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसी तरह से अक्षर को जाने बिना कोई भी अक्षरातीत को नहीं जान सकता है। हम परम धाम जाएंगे तो सुरता रूप से भी जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? पहले अक्षर को पार किया जाता है ना। चौपाई में भी कहते हैं हम कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनगा। तो इसलिए अक्षर को सूत्र कहा और कहते हैं सिखा सदा इनसे परे। हमारी सिखा तो अक्षर से भी परे है। अक्षर से परे कौन है? अक्षरातीत, तो वो हमारी सिखा है। आगे कहते हैं सेवन है पुरुषोत्तम। हम किसकी सेवा करते हैं? पुरुषोत्तम कौन है? जो पुरुषों में उत्तम है। पुरुष कौन है? क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। तो तीनों में उत्तम पुरुष कौन है? अक्षरातीत। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। हम उस उत्तम पुरुष परब्रह्म की सेवा करते हैं। और गोत्र चिदानंद जान। हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद। हमने कल भी सुना था गोत्र किसे कहते हैं? जिससे किसी कुल की शुरुआत होती है, तो प्रारंभिक जो मनुष्य हैं उसको उनके नाम का गोत्र चलता है। हम ब्रह्मात्माएं, हम अपना अंग किसको मानते हैं? किसको हम मानते हैं? श्यामा जी को। हम कहते हैं श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। और श्यामा जी किसकी अंग रूपा है? राज्य की। तो चिद और आनंद अंग जो राज श्यामा जी हैं, वो चिदानंद हमारा गोत्र है। और कहते हैं परम किशोरी इष्ट है। हम इष्ट किसको मानते हैं? इष्ट का अर्थ होता है जो आराध्य है, आराध्य की आह्लादिनी शक्ति को इष्ट कहते हैं। हमारे आराध्य अक्षरातीत श्रीराज जी हैं, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी हैं, जो कि परम किशोरी हैं, सदा सर्वदा एक रूप रहने वाली, जिनकी अवस्था 16 वर्ष की सी बताई जाती है। तो वो परम किशोरी श्यामा जी हमारी इष्ट हैं। और हमारा साधन कौन सा है? हमारा साधन है पतिव्रता साधन। पतिव्रता साधन जिसको अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है, जिसको कृष्ण जी ने क्या कहा कि पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य। इसी को कृष्ण जी ने अव्यभिचारिणी भक्ति भी कहा है। व्यभिचारिणी का अर्थ होता है वेश्या स्त्री, और अव्यभिचारिणी का अर्थ है जो वेश्या जैसी नहीं है। ये बहुत कठोर सत्य है। कठोर सत्य क्यों? क्योंकि जो एक परब्रह्म को छोड़ करके अनेक की उपासना करता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? वो उस व्यभिचारिणी स्त्री जैसी हो जाती है, जो आज किसी एक के साथ संबंध रखती है, कल किसी और के साथ संबंध रखती है। जैसे कबीर जी कहते हैं पतिव्रता के एक पति, वेश्या के 10-20। ब्रह्मवाणी कहती है पतिव्रता पणे सेविये न थइए वेश्या जेम, एक मेली ने अनेक कीजे तेणी थाय धनीवट केम। आज जिनको भी एक परब्रह्म पर दृढ़ विश्वास नहीं है और अपने लौकिक कामनाओं के लिए आज किसी एक देवता के आगे मत्था टेकते हैं, कल किसी और जगह पर जल चढ़ा रहे होते हैं, परसों किसी जगह पर डुबकी लगा रहे होते हैं, नरसों किसी की आरती कर रहे होते हैं, तो इस तरह से जो भक्ति है वो व्यभिचारी भक्ति है।
और कृष्ण जी ने कहा कि अगर परब्रह्म को प्राप्त करना है तो अव्यभिचारिणी भक्ति लगती है, जिसे हम पतिव्रता साधन कहते हैं। आगे कह रहे हैं, श्री युगल की सोर को जाप है। जाप का अर्थ क्या होता है? आराध्य और इष्ट के नाम को निरंतर रूप से दोहराना जाप होता है। हमारे समाज में भी जाप की परंपरा है, पर कितनी? श्री जी ने यहाँ पर जप करने को प्रोत्साहित नहीं किया, पर अगर आपको जाप करना है तो किसका करना है? युगल किशोर का। और जाप करना किसका काम है? जो साधना की दृष्टि से बिल्कुल बच्चे हैं प्रारंभिक अवस्था में, उनको। इस पद्धति के अलावा और कहीं पर श्री जी ने जाप नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जो तथाकथित संत महंत गादीपति इत्यादि हैं, वो मंच पर से सुंदर साथ को सिखापन देते हैं कि आप 100,000 बार तारतम का जाप करो तो आपको वाक सिद्धि हो जाएगी, आप 1,00,000 बार राज श्यामा जी बोलो तो आपको ये सिद्धि हो जाएगी। श्री जी ने कहाँ सिखाया? जहां भी जाते हैं वो वाणी की चर्चा करते हैं, परमधाम की चितवनी करते हैं, परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। हाँ, जो बच्चे हैं वो अगर जाप करना चाहे तो वो राज श्यामा जी कर सकते हैं। और वो जो जाप है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जाप होता है जो वाचिक रूप में होता है, अर्थात बोल करके, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, जो 2-3-4 साल के बच्चे जिनकी अभी अभी आवाज निकल रही है हमारी वाणी जैसी, तो उनको राज श्यामा जी बोलना सिखाया जाए, तो ये वाचिक जप हो गया। फिर एक होता है उपांशु। उपांशु मतलब होठ बस हिलता रहता है, बुदबुदाते रहते हैं थोड़े और बड़े होने पर, ऐसे होठ हिलता है और आवाज नहीं आती है। और इससे भी अगर और तीसरे जप की बात की जाए तो उसमें आवाज भी नहीं आती, ओठ भी नहीं हिलते, बस मन ही मन राज श्यामा जी दोहराते रहते हैं। तो इस तरह से यदि हमें जाप करना हो तो हम युगल किशोर राज श्यामा जी का जाप करते हैं। साधना के स्तर पर आध्यात्मिक लोगों के लिए तो चितवनी ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, पर जो छोटे बच्चे हैं या जिनको अभी जिन्होंने ध्यान की परंपरा अभी नहीं सीखी है, वो जाप करें। जाप बुरा नहीं है पर अधूरा है। अधूरा कैसे? ये प्रारंभिक अवस्था की बात है। जैसे मान लीजिए कि आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, कभी तो आगे बढ़ेंगे ना, या प्राथमिक कक्षा में ही हमेशा रहना है, तो जाप जो है वो प्राथमिक कक्षा है और चितवनी वो है पीएचडी। अब आपको कभी ना कभी तो पीएचडी में आगे जाना ही होगा। हाँ, अगर आपको जीवन भर प्राथमिक कक्षा में ही रहना है वो फिर आपकी मर्जी है। आगे कहते हैं मंत्र तारतम सोए। ये पहली बार तारतम को मंत्र कहा गया है। और तारतम को मंत्र क्यों कहा गया है? मंत्र का अर्थ होता है मननात मंत्र, जिसका मनन किया जाए। हम मनन किसका करते हैं? तारतम का। और यहां मंत्र तारतम सोए का भाव ये नहीं लेना चाहिए कि जो हम तारतम का जाप करते हैं निज नाम श्री जी साहिब जी या श्री कृष्ण जी, वो मंत्र है और उसको गुप्त रखना चाहिए। ये तांत्रिकों वाला मंत्र भी नहीं है। ये कैसा मंत्र है जिसका हमें मनन करना चाहिए? तारतम क्या है? केवल पहली चौपाई या 6 चौपाई तारतम नहीं है, हमारी पूरी वाणी ही वास्तव में तो तारतम में ज्ञान है। तारतम शब्द का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग तुकबंदी के आधार पर इसका अर्थ लगाते हैं कि जो तम अर्थात अंधकार से तारने वाली मतलब पार करने वाली। चलिए, इसका अर्थ ये भी गलत तो नहीं है, पर वास्तविक जो अर्थ है वो शब्द है तारतम्य। तारतम्य का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना। तो तारतम्य वाणी जो हमारे और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करती है, पहले पहचान देती है कि परमात्मा कौन है। श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, जो 6 अक्षर से परे अक्षरातीत है, जो अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी है, वो परब्रह्म है। और वो श्यामा जी के भी प्रियतम है
और सत्य हैं, अखंड हैं, सदा सत सुख के देने वाले हैं। और उन्हीं के विषय में संपूर्ण इस वाणी में उनका वर्णन है। उसको हमें क्या करना है, विचार करना है, उसका सार ग्रहण करना है, उसका सुख लेना है और उसे अन्य ब्रह्म सृष्टियों में भी पहुंचाना है। ये तारतम है, तारतम की 6 चौपाइयां हैं, लेकिन पूरी वाणी ही वास्तव में तारतम्य ज्ञान है। तो हम उसी तारतम का मनन करते हैं, इसलिए मंत्र तारतम कहा है। गुप्त रखने के लिए नहीं है। एक तरफ हम क्या कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाहिर और गुप्त विरोधी है। एक ही चीज जाहिर भी रहे और गुप्त भी रहे, ये संभव कैसे है? या तो वो गुप्त रहेगा या वो प्रकट होगा। तो इस तरह से तारतम जो है वो प्रकट होने के लिए अवतरित हुआ है, जाहिर होने के लिए, गुप्त रखने के लिए नहीं। हाँ, मंत्र शब्द का अर्थ जो जहां से मंत्री शब्द आया है वो भी मंत्री गुप्त भाषण से है, लेकिन उसका केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। मनन करना यहाँ पर अर्थ रहेगा। अब आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या देवी सही। हम किसको देवी मानते हैं? हम किसी संसार की देवी को काली हो गई, दुर्गा हो गई, देवी हो गई, कामाख्या मनसा, ऐसी किसी देवी को नहीं मानते। हम ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं, क्योंकि इसमें वह दिव्य गुण है। कौन सा दिव्य गुण? हमारी आत्मा को जागृत करने का दिव्य गुण है इसमें, इसलिए हम इसको देवी मानते हैं। पुरी नौतन मम जो है, और हमारे लिए पुरी कौन सा है? पुरी किसे कहते हैं? जिस स्थान से ज्ञान का प्रचार हो उसको पुरी कहा जाता है। और सबसे पहले तारतम्य ज्ञान आया तो वो कहां पर आया? पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुआ धन धन। तो उस नौतन पुरी को जहां कहते हैं ना, इतने दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन, उसको हम पुरी मानते हैं, जहां से हमारे ज्ञान का प्रारंभ हुआ है। और आगे क्या कहते हैं, 7800 पक्ष शाखा सही। हमारी शाखा 108 पक्ष की है। 108 पक्ष कौन कौन से हैं? पहले यहां से प्रारंभ करते हैं, सीढ़ी से। इस संसार में 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, जिसको हम नौधा भक्ति कहते हैं। श्रवण, मनन, अर्चन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये सब नौधा भक्ति है। और इस नौधा भक्ति को मानने वाले जो लोग हैं वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाले हैं, अर्थात 3 गुणों वाला स्वभाव है। सात्विक व्यक्ति भी नौधा भक्ति करता है, राजसिक व्यक्ति भी और तामसी व्यक्ति भी। सबका कारण अलग अलग होता है, सबका प्रयोजन अलग अलग होता है, पर भक्ति करते हैं। राक्षसों को भी तो तपस्या करते हुए आपने देखा सुना है, देखा तो नहीं, सुना है, पढ़ा। तो इस तरह से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों लोग भक्ति करते हैं। तो इस तरह से एक एक भक्ति के 3-3 भेद होते हैं, तो 9 × 3 27 भेद हो जाते हैं। जैसे श्रवण करने वाले सात्विक, राजसिक और तामसिक लोग हो गए, मनन करने वाले भी तीनों प्रकार के लोग हो गए, इस प्रकार 27 भेद होते हैं। इसी तरह से 3 प्रकार का भाव लेकर के, 3 प्रकार की मन स्थिति के साथ में लोग भक्ति करते हैं। एक है प्रवाह, एक है मर्यादा और एक है पुष्टि। प्रवाह का अर्थ क्या होता है? देखा देखी में, जैसे प्रवाह का अर्थ होता है बहना। बाढ़ आए और बाढ़ में साथ में बड़ी बड़ी लकड़ियां भी बहती है, घास पतवार भी, खरपतवार भी बहते हैं। इसी तरह से जब कहीं पर भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, जहां कई लोग जा रहे हो और उनको देख करके, अच्छा इतने सारे लोग जा रहे हैं, चलो हम भी वो आते हैं, तो ये बहाव हो गया ना, देखा देखी वाली जो भक्ति हो गई। देखा देखी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जो महाराज चले होंगे, जिसका प्रवाह चल रहा होगा, जो प्रसिद्ध हो रहे होंगे, तो जन समूह प्रवाहित होने लगता है उसी तरह। तो भक्ति इस तरह से लोग करते हैं, तो वो प्रवाही है।
हम तो किसको प्रवाही कहते हैं? जिसने तारतम नहीं लिया है कहते हैं कि ये प्रवाही है। तारतम लेने वाले भी प्रवाही होते हैं। कई लोग प्रवाह में तारतम ले लेते हैं कि अच्छा 100 लोग ले रहे, चलो हम भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रवाह का अर्थ हो गया देखा देखी में भक्ति करना। मर्यादा, दूसरा मर्यादा का तात्पर्य क्या है कि चलो बुलाया है कार्यक्रम में, चर्चा में निमंत्रण दिया है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, समाज में है तो फिर ये सब तो करना ही पड़ता है। ये कह करके अगर कोई मर्यादा भक्ति करता है तो ये हो गई मर्यादा की भक्ति। और फिर है पुष्टि। पुष्टि का अर्थ होता है पक्का होकर के, दृढ़ होकर के कि मुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है कोई लेना देना नहीं, कोई जा रहा है नहीं जा रहा है कोई लेना देना नहीं, जैसे देवचंद्र जी भक्ति कर रहे थे। तो इस प्रकार पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, तीन प्रकार से लोग भजते हैं। तो कितने भेद हो गए? 9 × 27, 27 × 81 भेद हो गए, 81। ये 81 जो पक्ष हैं वो स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद आता है 82वां पक्ष, जिसमें थोड़ा सा प्रेम का अंश है, वो है वल्लभाचार्य जी का, जिन्होंने ब्रज और रास की बहुत सुंदर टीका की है। यदि कोई व्यक्ति अपने विवेक से, सच्चे हृदय से उस टीका को समझने का प्रयास करे तो बहुत तो नहीं लेकिन निराकार के परे के विषय में उसको इतना पता चलेगा कि निराकार तक ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ तो है। क्या है वो पता नहीं चलेगा। वाणी क्या कहती है? छेद ब्रह्मांड में कियो सही। वल्लभाचार्य जी ने छेद तो कर दिया कि इसके परे कुछ है, पर छेद से बाहर नहीं देख पाए, बस इतना है कि कुछ तो है। तो ये वल्लभाचार्य जी की पद्धति है, जिनको 82वां पक्ष कहा गया है। 83वां पक्ष उस छेद से थोड़ा ऊपर गया है, कबीर जी का। कबीर जी की पहुंच कहां तक है? अक्षर तक की। और कबीर जी ने तो प्रेम लक्षणा भक्ति का भी सुंदर वर्णन किया और परमधाम के बारे में भी संकेत किया, क्योंकि अक्षर की पंचवासनाओं में से एक है। तो क्या कहते हैं कि जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, वह घर हमसे दूर। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देऊं दोष। तो उन्होंने जो संकेत में अक्षर के विषय में जो बात बताई, परमधाम के विषय में जो बात बताई, तो उनका जो पक्ष है वो 83वां पक्ष है। और उससे परे अक्षरातीत का जो 25 पक्ष है परम धाम का, धाम तलाव कुंज बन सोए, माणिक नहरे वन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। अब इन 25 पक्षों को पाना होगा तो हमारे पास क्या उपाय है? उपाय क्या है? वही प्रेम लक्षणा भक्ति का, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले वर्णन सुना। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है। देखिए, श्रवण कीर्तन मनन निधिध्यासन, ये जो जो भी बातें कर रहे थे हम, स्मरण पाद सेवन, ये हम करते हैं कि नहीं करते? एक तरफ हम नवदा भक्ति कहते हैं श्रवण को, आप सब क्या कर रहे हैं अभी? श्रवण ही तो कर रहे हैं ना, चर्चा श्रवण कर रहे हैं, तो ये नवदा भक्ति हो गई। आप मनन करते हैं कि नहीं करते? वो भी नवदा भक्ति में आता है। आप राज्य का स्मरण करते हैं? वो भी नवदा भक्ति में आ रहा है। आप राज्य के चरणों की वंदना करते हैं कि नहीं करते? वंदो सदगुरु चरण को या प्रथम लागु दो चरण को, किसकी वंदना करते हैं? राज्य की वंदना करते हैं। नवदा भक्ति तो आप भी कर रहे हैं। सदगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरणे रहो, तो पाद सेवन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चरणों की भक्ति कर रहे हैं। तो आपकी नवधा भक्ति में और बाकी लोगों की नवधा भक्ति में क्या अंतर है? देखिए, बिना प्रेम के, बिना पहचान के जो की जाए, और एक ही प्रेम और पहचान के साथ की जाए, इतना अंतर है। हमें अक्षरातीत की पूर्ण पहचान है,
दुनिया ने जिनकी भक्ति की है वो परब्रह्म नहीं है, इसलिए जहां तक की भक्ति करेंगे वह वहीं तक जाएंगे। पर हमने जो जो भी नवधा भक्ति में से जिन लक्षणों को अपनाया है हमने, उन सभी में प्रेम जुड़ा है, इसलिए हमारी भक्ति को हम प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। यदि आप चर्चा प्रेम पूर्वक नहीं सुनते हैं तो आप नवधा भक्ति में आ रहे हैं। यदि आप प्रार्थना में प्रेम नहीं है आपकी प्रार्थना में, तो आप नवधा भक्ति वाले हैं। यदि आपके स्मरण में प्रेम नहीं है, करुण पुकार नहीं है, तो आपकी भक्ति नवधा भक्ति में है। तो जो कुछ भी करें प्रेम पूर्वक करें, वही प्रेम लक्षणा भक्ति, कोई अलग मार्ग नहीं है। आप भी सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, दुनिया में 8 अरब की जनसंख्या है, सभी लोग सुनेंगे, कान सबको दिए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ बह रहे हैं पर सामान्य रूप में। लेकिन यदि हृदय में प्रेम न हो तो फिर वह नवधा भक्ति में आ जाता है, वो फिर कर्म कांड में आ जाता है। इसलिए जहां प्रेम जुड़ जाए तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। इस तरह से ये 108 पक्ष हो जाते हैं। जो प्रेम पूर्वक ब्रह्म विद्या का सहारा लेकर के, ज्ञान का सहारा लेकर के उस परब्रह्म को याद करता है, वो 108 पक्ष को जान जाता है, वो परम धाम की 25 पक्षों में विचरण करता है। आगे कहते हैं साला है गौलोक। साला जिसके विषय में हमने कल भी सुना कि जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाए, ठहरा जाए। हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ब्रज में लीला की थी जो कि गोलोक के रूप में अखंड हुआ है, तो वो गोलोक हमारी शाला है। सदगुरु चरण को क्षेत्र है, हमारा स्थान कहाँ है? सदगुरु के चरण में, क्योंकि सदगुरु है राज्य, तो राज्य के चरणों में हम रहते हैं हमेशा, तो उनके उनके जो चरण कमल है वो हमारा स्थान है, जहां पर सभी प्रकार के शोक, सभी प्रकार के दुख चले जाते हैं। हम कहते हैं ना, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। आगे कहते हैं सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। सुख विलास का स्थान हमारा कौन सा है? नित्य वृंदावन, क्योंकि वहां पर हमने आनंद की लीला की थी। रास का अर्थ क्या होता है? रसो वही सह रास, आनंद की जो लीला है वो रास की लीला है, जो कि वृंदावन में नित्य अर्थात अखंड है, सबलिंग के महाकारण में, वो हमारे सुख विलास का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो है, महाविष्णु कौन है? आदिनारायण, जिनको ऋषि कहा गया है। ऋषि कौन है? कहते हैं ऋषि वही मंत्र द्रष्टारह, वेदों के मंत्रों का जिनके हृदय में प्रकटन होता है वो ऋषि कहलाते हैं वास्तव में। और यहाँ महाविष्णु को ऋषि क्यों कहा गया है? क्योंकि इस कालमाया के ब्रह्मांड में अगर किसी भी जीव के हृदय में ज्ञान आना होगा तो जीवों के मूल कौन है? आदि नारायण की चेतना का प्रातिभासिक स्वरूप ही तो जीव है, जो उनका संकल्प है एको हम बहुश्याम, वो जो संकल्प है प्रतिभास स्वरूप में वही जीव है। तो किसी जीव के हृदय में अगर कोई बात आनी होगी तो वो पहले महाविष्णु के हृदय में होगी, इसलिए वो वास्तव में ऋषि हैं। इस संसार के धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी परब्रह्म के विषय में संकेत लिखाए गए हैं तो वो उस नारायण के हृदय में पहले आए हैं, तो इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। वेद हमारो स्वसम है। हम किसे वेद कहते हैं? स्वसम वेद को। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और स्वसंवेद। नहीं, अच्छा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। स्वसंवेद कहां से आ गया? ये तो 5वां वेद हुआ ना। कोई आपसे पूछे कि वेद तो 4 हैं, पूरी दुनिया 4 वेद कहती है, आप 5वां वेद कैसे कह रहे हैं? आपके पास उत्तर है? देखिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। पहले जब ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ तो वहां 4 वेदों के रूप में नहीं था, वहां ज्ञान रूप में था। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उन 4 ऋषियों के हृदय में आया। फिर श्रुति परंपरा से आगे चलती गए, उनको संकलन करने का काम वेद व्यास जी ने किया और लिखित रूप दिया। लेकिन उन 4 वेदों के अतिरिक्त भी ज्ञान के अन्य स्रोत हो सकते हैं, और ये जो ब्रह्मवाणी है जिसको हम स्वसंवेद, स्वसम अर्थात स्व कहते हैं आत्म को, स्वयं को, स्वसंवेद को आत्मवेद भी कहा जा सकता है, जिसमें आत्म और परमात्मा के विषय में बताया गया है। और ये स्वसंवेद, ये ब्रह्मवाणी ऐसी वाणी है जो वेदों के रहस्यों को भी खोलती है, चाहे वो
वेदों के कठिनतम 25 प्रश्न हो, इन सभी प्रश्नों को खोलने का कार्य कौन करती है? ब्रह्मवाणी। इसी ब्रह्मवाणी को हम स्वसम वेद कहते हैं। वेद हमारो स्वसम है। आगे कहते हैं, तीर्थ जमुना सोए। तीर्थ किसे कहते हैं? जना यही तरंती तानी तीर्थानी, जिसके द्वारा मनुष्य तरते हैं, पार होते हैं, उसे तीर्थ कहा जाता है। और लोग तीर्थ के नाम पर नदियों में जाते हैं। नदी पार कराती कि डुबोती है? नदी तो डुबोती है, नाव पार कराती है। उस दृष्टि से नाव को तीर्थ कह सकते हैं, पर नदियों को तीर्थ कहने का भाव ये था पहले कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, ये सब नदियों के किनारे होते थे। नदियों के किनारे संतों का जमावड़ा लगा रहता था। तो ऐसे स्थान पर जाकर के कोई व्यक्ति अगर ज्ञान ग्रहण कर ले और ज्ञान के द्वारा उसका पार लग सकता था, रित्य ज्ञाना तनमुक्ति के आधार पर, तो इसलिए उन स्थानों को तीर्थ कहा जाने लगा। हम तीर्थ कहते हैं यमुना जी को। कौन सी यमुना जी? जो इधर 5 किलोमीटर दूर बहती है, वो नहीं। परम धाम में राजी श्यामा जी के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप अर्थात बहता हुआ स्वरूप ही यमुना जी के रूप में प्रकट होता है। तो यमुना जी क्या है? प्रेम है। तो यमुना जी में डुबकी लगाने का तात्पर्य किसमें डुबकी लगाना? राजी श्यामा जी के युगल स्वरूप के प्रेम में डुबकी लगाना। अगर हमने प्रेम में डुबकी नहीं लगाया तो क्या होगा? हमारी जागनी नहीं होगी। बिना प्रेम की तो जागनी नहीं हो सकती ना। और यदि हमारी जागनी हो गई तो हमारे जीव की भी अखंड मुक्ति होगी। इसलिए वो जो नदी है परम धाम की यमुना जी, वो वास्तव में तारने वाली है, इसलिए वो हमारी तीर्थ है। आगे कहते हैं, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हमारा शास्त्र कौन सा है? भागवत। वैसे तो 6 शास्त्र है, जिसको हमने 6 दर्शन कह करके अभी आज और कल में मिल करके जिसकी पद्धति भी सुनी। सांख्य वैशेषिक न्याय मीमांसा वेदांत और योग, ये 6 शास्त्र हैं। पर भागवत को शास्त्र क्यों कहा जा रहा है? शास्त्र का अर्थ होता है शास्यते येन स शास्त्र, जिसके द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का मार्गदर्शन लिया जाए, निर्देश ली जाए, उसको शास्त्र कहा जाता है। भागवत में ब्रज और रास के माध्यम से जो परब्रह्म के प्रति प्रेम करने का निर्देश मिलता है, संदेश मिलता है, इस कारण हम भागवत को शास्त्र कहते हैं। और आगे कहते हैं, बुद्ध जागृत को ज्ञान। हमारा ज्ञान कौन सा है? जागृत बुद्धि का ज्ञान है। इस चौपाई को पढ़ करके बहुत सारे लोग हमारे समाज के जो प्रचारक हैं, वो भागवत की चर्चा जोरदार तरीके से करते हैं। और उनको कहा जाए कि आप वाणी की चर्चा क्यों नहीं करते, कहते हैं कि भागवत भी तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। पद्धति कह रही है शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। अभी थोड़ी देर पहले हमने नौतनपुरी को पूरी कहा। नौतनपुरी को पूरी सिद्ध करने के लिए जो चौपाई बोली जाती है वो ये है कि एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी की महिमा इसलिए है क्योंकि वहां पर तारतम ज्ञान के आने से पहले कौन सा ज्ञान था? हुती बुद्ध सुपन। तो भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान कैसे हो गया? लेकिन पद्धति की ही एक चौपाई के एक चरण को लेते हैं, दूसरे चरण के भाव को छोड़ देते हैं और कहते हैं भागवत भी जागृत बुद्धि का ज्ञान है। भागवत अगर जागृत बुद्धि का ज्ञान होता, जागृत बुद्धि के ज्ञान में तो परम धाम की बातें आती हैं। क्या भागवत में वास्तव में अखंड का वर्णन है? अखंड का तो केवल संकेत है। एक तरफ आप वाणी में कहते हैं कि तब भागे जोस कहे पंच अध्यायी रास वर्णन हुआ न तीनताई। सुखदेव जी से रास का वर्णन नहीं हो पाया था क्योंकि जोस चला गया था, तो जागृत बुद्धि का ज्ञान कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि उसमें संकेत है। जोस के जाने के बाद इसलिए शास्त्र तो माना जा रहा है पर जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर ये जो चौपाई है शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, ये बीतक के 37वें प्रकरण की 82वीं चौपाई है और इससे पहले इसी प्रकरण की 72 और 73 नंबर चौपाई में 72 नंबर की अंतिम चरण में पूछा गया है
कि आपका तीर्थ और शास्त्र कौन सा है, तीर्थ शास्त्र जो है। और 73 नंबर की चौपाई में पूछा गया है ज्ञान कहिए कुल आपनो, आपका ज्ञान कौन सा है, आपका कुल कौन सा है। तो प्रश्न अलग अलग हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं पूछा है कि आपका शास्त्र कौन सा है और वो कौन सा ज्ञान है, ऐसे नहीं पूछा है। दोनों प्रश्न ही अलग अलग हैं, जिनका श्री जी ने अलग अलग उत्तर दिया है कि हमारा शास्त्र भागवत है और हमारा ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो शास्त्र जो है भागवत है, इसीलिए भागवत सुनकर के देवचंद्र जी की जागनी हुई, इसलिए हम भागवत की चर्चा करते हैं। आज तक की बीतक में, इतने दिन तक हम हरिद्वार तक की बीतक सुन चुके हैं, 20 दिन हो गए, इसमें आपने कभी ये सुना कि दर्शन हो जाने के बाद, राज्य का दर्शन हो जाने के बाद वो कभी भागवत सुनने गए, या फिर उन्होंने कभी भागवत की चर्चा की, या उन्होंने किसी को भागवत सुनने भेजा? अगर भागवत सुनने से ही दर्शन होना था तो फिर मिहिर राज जी और गोवर्धन जी कांजी भाई से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए? हरिदास जी को तारतम ज्ञान ग्रहण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हरिदास जी क्या सुनते थे? हरिदास जी तो भागवत आधारित ही भक्ति करते थे ना, किसकी भक्ति करते थे? बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की भक्ति करते थे, उनको तारतम ज्ञान क्यों लेना पड़ा, वो भी अपने ही शिष्य से, और पूरा परिवार तारतम ज्ञान ग्रहण करता है। सूरत के प्रसंग में हमने सुना, अगर भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान होता तो जो गोविंद जी व्यास है 40 प्रश्न लेकर के आए थे, उनको समाधान क्यों नहीं मिला? तारतम ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी उन्हें? श्री जी सबको बोल देते कि चलो भागवत सुनते रहो, जागनी होती रहेगी, ब्रह्मवाणी के अवतरण की क्या आवश्यकता थी? और जब ये चौपाई कह रही है कि इतने दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जागृत बुद्धि का ज्ञान है? दोनों बातें अलग अलग है। शास्त्र के रूप में हम भागवत को मानते हैं क्योंकि उसमें प्रेम के विषय में निर्देश दिया है, उसके अलावा तो पूरी भागवत गपोड़ों से भरी पड़ी है। आज एक बच्चा जो 10वीं पास होगा वो भी भागवत पढ़ करके बता देगा कि ये तो गलत है, ये अनसाइंटिफिक है, इस बात को नहीं माना जा सकता है। केवल उसमें ब्रज और रास के जो संकेत किए गए हैं उसी को माना जा सकता है, 10वें स्कंद के लगभग 35 अध्याय में जो बातें हैं। और हमारा जो ज्ञान है वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, जो ब्रह्मवाणी है वो वास्तव में हमारा ज्ञान है। आगे कहते हैं कुल मूल हमारो आनंद है, हमारे कुल का मूल क्या है, हमारा कुल कौन सा है। यहाँ पर हम में से किसी ने अपने आप को ब्राह्मण कुल का माना है, किसी ने क्षत्रिय, किसी ने वैश्य शूद्र, इनमें भी अलग अलग बिरादरियां हो गई, पता नहीं कौन कौन से वर्ण हो गए। क्षत्रियों में भी राजपूत गुर्जर पता नहीं क्या क्या है, ब्राह्मण में भी इसी तरह से भिन्न भिन्न है, दुबे चौबे तिवारी पता नहीं फलाने ढिंढे। पर हमारा कुल कौन सा है? हमारा कुल है ब्रह्म सृष्टियों का, जात एक खसम की। जब कुल हमारा एक है तो कुल का मूल कौन है हमारा? कुल मूल हमारो आनंद है, जो आनंद अंग श्यामा जी है वो हमारे कुल की मूल है। और फल नित्य विहार प्रमाण, इस पद्धति को मानने का फल क्या है? हमारी आत्मा परम धाम में नित्य विहार करेगी, नित्य रमण करेगी, परम धाम की 25 पक्षियों में हमारी आत्मा भ्रमण करेगी। आगे कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हमारा धाम कौन सा है? दिव्य ब्रह्मपुर, जिसको हम परम धाम कहते हैं। दिव्य ब्रह्मपुर के ही कते परंपरा में अर्श आजम कहा गया है। उपनिषद क्या कहते हैं? मुंडक उपनिषद का कथन है, दिव्य ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम, दिव्य ब्रह्मपुर में ही उस ब्रह्म का निवास है। जो कहां पर है? इस संसार के कण कण में होता तो दिव्य ब्रह्मपुर थोड़ी कहते हैं, क्षर अक्षर से परे है, जिसके विषय में वेद ने कहा त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुषः, जिसके विषय में कहा आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्, जिसके विषय में हम प्रार्थना करते हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो वो परम धाम है जो कि निराकार के परे है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर और अक्षर से भी परे दिव्य ब्रह्मपुर है जो हमारा धाम है। और उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में घर अक्षरातीत निवास, जो घर है रंगमहल अक्षरातीत निवास, ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि पुराने समय में, आज भी कहीं कहीं पर जाएंगे तो वहां घर पर नाम लिखने का प्रचलन है कि ये फलाने का घर है।
इस तरफ तो ज्यादा नहीं देखा जाता, नेपाल के तरफ या गुजरात के तरफ देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो सरनेम होता है उस घर के व्यक्ति का उसके नाम पर फलाना निवास लिखा रहता है। हाँ, गुजरात में सुंदर साथ ने ये अच्छा प्रचलन चलाया है, कोई अपने घर को अक्षरातीत लिखा रहता है, किसी के घर पर, किसी के घर पर रंग महल लिखा रहता है, इस तरह से परम नाम से संबंधित, वाणी से संबंधित शब्द लिखे रहते हैं। तो हमारा जो घर है वो रंग महल है, जो किसका निवास है, अक्षरातीत का निवास है, और हमारे संप्रदाय का नाम है निजानंद है संप्रदाय। वास्तव में ये संसार के संप्रदायों की तरह कोई सांप्रदायिक कट्टरता नहीं है। देखिए, हमारे संप्रदाय में किसी एक ग्रंथ की बात नहीं होती, किसी भी संसार के देवी देवता की बात नहीं होती है, हर बात अखंड की तरफ लेकर के जाती है और संसार के सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। वास्तव में तो निजानंद एक दर्शन है, निजानंद एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है। इसमें किसी एक संप्रदाय की बात को नहीं लिया है, वाणी में वेद पक्ष की भी सभी बातों को लिया गया है, सभी रहस्यों को खोला गया है, कतेव पक्ष की भी सभी अच्छे पक्षों को इसमें उजागर किया गया है। तो इस तरह से यह है निजानंद संप्रदाय। निज आनंद, निज अर्थात आत्मा के आनंद को प्रकट करने वाला जो संप्रदाय है उसका नाम है निजानंद संप्रदाय। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये उन संतों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर था। आगे कहते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रकट करी संप्रदाय है। श्री देवचंद्र जी ने इस संप्रदाय को प्रकट किया और तीन थे हम यह लखी हैं, हम द्वार पावे अब ते है। श्री जी कह रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी ने इस सिद्धांत को इस संसार में प्रकट किया, उनके द्वारा हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया और अब हम भी उस पद्धति पर चल करके अखंड के द्वार को, अखंड के धाम को प्राप्त करेंगे। ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति है। तो आज आप सबने हमारी पद्धति के बारे में जाना, ये जानना सबके लिए आवश्यक है। कोई भी पूछे आपकी पद्धति तो उसे आप बता सकते हैं। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि हरिद्वार से श्री जी अब पुनः लौटते हैं, जो मुख्य लक्ष्य है औरंगजेब को संदेश देने का वो अभी बाकी है, उस तक संदेश कैसे पहुंचाया जाता है। बार बार समस्याओं के आने के बावजूद, बार बार पराजित होने के बावजूद भी हार न मान करके सुंदर साथ किस तरह से दृढ़ विश्वास के साथ 12 लोग जानबूझ करके श्री जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए कैसे औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, किस तरह से पहले औरंगजेब को संदेश पहुंचाने का पहले बाहरी रूप से प्रयास किया जाता है, पहले 5 दरबारियों को चिट्ठी भेजी जाती है जिसमें कयामत के 7 निशान लिखे होते हैं। वो कयामत के 7 निशान कौन कौन से हैं, जिसके प्रकट होने पर कयामत होगी, औरंगजेब की प्रतिक्रिया क्या होती है, वो 12 मोमिनों को किस तरह से कष्ट देता है और उस पर श्री जी की प्रतिक्रिया कैसे होती है, श्री जी कैसे पत्र लिख करके भेजते हैं, ये सारी चर्चा हम सुनेंगे कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय है, तीन थे हम यह लखी हैं, हम द्वार पावे अब ते है, हम द्वार पावे अब ते। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।